दिलवाड़ा मंदिर का जो बारा इधर है? दिलवाड़ा मंदिर में है, हाँ इधर बारा और इधर बारा, 24 चंद्रवंशी बारा और सूर्यवंशी बारा, बारह बारह। 24 24 जो दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया ना, क्या 24 दिखाया? इधर 12 चंद्रवंशी, इधर सूर्यवंशी 12। तो 108 कोठरियां हैं। जैसे माला में 108 मणके हैं, 54 एक तरफ और 54 दूसरी तरफ सामने की ओर, ऐसे दिलवाड़ा मंदिर में भी 108 कोठरियां हैं। तो ये भारत का जो जातीय पताका तिरंगा, भारत का जो तिरंगा उसमें जो बीच में चक्र है 24 डाल है, 23 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, तो इसका बेहद वही सूर्यवंशी आ रहे हैं और चंद्रवंशी आ रहे हैं, बारह बारह हैं, 12 सूर्यवंशी हैं, 12 चंद्रवंशी हैं, दोनों मिलाकर के 24 हैं। जो नौ धर्म है मुख्य है, जो भगवान को नंबर वार मानने वाले हैं, और नौ धर्मों के 12 12 के ग्रुप हैं, 12 और 9 का गुणा किया तो कितने आए हैं? 108। वो 108 की माला बनती है। उनमें जो देवी देवता सनातन धर्म के हैं वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, बाकी सब कन्वर्ट होने वाले हैं, ये अपने धर्म के पक्के हैं और धर्मों के। तो जो देवता बनते हैं उनकी बारह बारह की माला दिखाई, 24 लेफ्टेस्ट चंद्रवंशी, लेफ्टेस्ट माना चंद्रमा पहले या सूर्य पहले है, सूर्य पहले या चंद्रमा बाद में, चंद्रवंशी वो बनते हैं जो फेलियर होते हैं, जो चंद्रवंशी। सूर्यवंशी जो 65,000 नौ धर्म इकट्ठा करके तो 4 लाख हो जाएगा ना, नौ धर्म मिला करके 4 लाख हो जाएगा। तो सूर्यवंशी का फॉलोअर्स 65,000 ऐसे बोलता है, 5,000 50,000 हाँ। तो ऐसे सुना है, मतलब नौ धर्म है हाँ। तो चंद्र सूर्यवंशी 50 चलो बांट दो थोड़ी देर के लिए, 50,000 नौ जगह बांट दिए तो 4.5 लाख आए हाँ। तो कैसे 55,000 फ्लॉट्स हो जाता है सूर्यवंशी का चंद्रवंशी का? सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों के थोड़े ही, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों मिला करके 1 लाख हुए, इसलिए तो जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? अरे शालिग्राम बनाते हैं कि नहीं रुद्र यज्ञ में? कितने बनाते हैं? कम से कम 1 लाख जरूर बनाते हैं, क्योंकि न तो अकेले सूर्यवंशी काम करेंगे न अकेले चंद्रवंशी काम करेंगे, वो तो है ही प्रवृत्ति मार्ग, तो दोनों की प्रवृत्ति होती है तब देवता बनते हैं। बाकी रहे तीन धर्म मुख्य, चार मुख्य धर्म है, देवी देवता सनातन धर्म, उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो गए, बाकी तीन धर्म रह गए इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, उनमें एक एक छेड़ा निकल पड़ता है, दो दो हिस्से हो पड़ते हैं। जैसे सनातन धर्म के दो हिस्से हो गए सूर्यवंशी चंद्रवंशी, ऐसे ही हर धर्म के दो दो छेड़े हो जाते हैं। तो मुख्य धर्म है चार और चारों मुख्य धर्म के 1,1 लाख फॉलोअर, 4 लाख हो गए।
और पांडव आज भाई तो बाबा ने वार्तालाप में बोला है युधिष्ठिर भीम अर्जुन उसका माता कुंती और नकुल सहदेव का माता माद्री। तो माता दो दो क्यों हो गया? पांडव तो पांच है। पांडव पांच हैं लेकिन उनमें दो प्रकार के हैं ना, एक तो ज्यादा पावरफुल है। कौन कौन है जो युधिष्ठिर भीम और अर्जुन, ये तीनों ज्यादा पावरफुल है और बाकी जो दो रह गए एक नकुल और एक सहदेव, ये उतने पावरफुल नहीं है जितने पहले तीन हैं। तो जो दो कम पावरफुल हैं उनकी माता है मद्र, बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि थी तो उससे थोड़े कमजोर पैदा हो गए। धरणी का भी असर पड़ता है ना, वही बीज डालो ज्यादा पावरफुल धरणी में और वही बीज डालो कम पावरफुल धरणी में तो पैदाइश में कुछ अंतर पड़ेगा फसल में कि नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा अंतर। तो कन्याएं माताएं धरणी होती हैं तो पंडा के बच्चे, लेकिन माताएं तो दोनों की अलग अलग है ना। बाबा आबू जो चीज बताया गया है सरस्वती सरस्वती थे आबू, तो आबू ऐसे तो हम सारी बातें हद और बेहद में लेते हैं। ऐसे बेहद में तो अलग होंगे और हद में तो अलग होंगे। हद में वो माउंट आबू समझे और बेहद में हमारे जो मधुबन है वही समझे। आबू का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर बुद्धि इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर बुद्धि इकट्ठे होते हैं, आकर के इकट्ठी हो। तो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी बदबू कहाँ इकट्ठी होगी संसार में? और अभी भी कहाँ इकट्ठी है? अभी जो रुद्रमाला के मणके हैं जो पति से पावन बन जाते हैं वो तो फिर भी बिखरे हुए हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो ज्यादा बदबू देने वाले हैं, ज्यादा ग्लानी करने वाले हैं, ज्यादा भगवान की निंदा करने वाले हैं, या जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो ज्यादा निंदा करने वाले हैं? बाहर हो गए ज्यादा निंदा करने वाले हैं? है जो अभी भी वहां पड़े हुए हैं वो सब हैं कन्वर्ट होने वाले, तो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी भी जो भगवान प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है उसकी ग्लानी कर रहे हैं, बदबू फैला रहे हैं या खुशबू फैला रहे हैं? बदबू फैला रहे हैं। तो उसका नाम आबू रख दिया है, तो हद में भी आबू है और वेद में भी आबू है। और बाबा होली में भी सुना है शिव बाबा जिस तल में प्रवेश करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा पड़ता है, लेकिन शिव बाप एक मुकर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी प्रजापिता ब्रह्मा है ना? वो तो है, लेकिन शिव बाबा और शिव बाबा कैसे प्रवेश करते हैं उस समय? शिव बाबा जब संपन्न स्टेज हो जाएगी शरीरधारी की तब शिव बाबा प्रवेश करेगा। पहले जो आदि में जो शिव बाप है आदि में शुरू में तो सब जो ब्रह्मा बाबा का है, जो ब्रह्मा का तब ने प्रवेश किया, ब्रह्मा में प्रवेश किया तो शिव बाप ने किया।
ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा के तन में शिव बाप ने प्रवेश किया। वो दोनों रूप में तुमेव माता च पिता तुमेव, वो कौन है जो माता भी है और पिता भी है, वो साकार है या निराकार है? उससे पहले जो थोड़ी देर के लिए गीता वाली आत्मा जो माता प्रवेश किया था, उससे पहले एकदम आदि में हाँ गीता वाली आत्मा आत्मा में जो बाप प्रवेश करते थे हाँ कौन है? वो तो बाप ही है, सिर्फ बाप ही है। गीता में भी माता है, उससे भी पहले कोई है? भगवान आता काहे के लिए? भक्ति कराने के लिए आता है कि ज्ञान सुनाने के लिए आता है? है ज्ञान सुनाने? तो ज्ञान सुनाया किसमें? ज्ञान पहले पहले ज्ञान का बीज किसमें डाला है? ब्रह्मा में ही तो डाला। कौन से ब्रह्मा में? ना हाँ प्रजापिता ब्रह्मा में। तो वह प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा तो ब्रह्मा माने ब्रह्मा अनेक है हाँ, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। एक ही है, ब्रह्मा का मतलब है बड़ी माँ और प्रजापिता तो पिता हो गया हाँ? तो प्रजापिता ब्रह्मा क्यों कहते हैं? सिर्फ प्रजापिता क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा बगैर प्रजापिता था क्या? था। जब प्रजापिता ब्राह्मण बनेगा तो किसी से सुनकर के ब्राह्मण बनेगा या सीधा ही ब्राह्मण बन जाएगा? किससे सुना? माता से सुना। तो ब्रह्मा पहले था, प्रजापिता बाद में बना। प्रजापिता स्वयं ब्राह्मण है, इसलिए है तो वो पहला ब्राह्मण, जो पहला देवता, जो पहला क्षत्रिय। बाबा ये जो ड्रामा है फिक्स, इसमें जो पार्ट है जिसके हर आत्मा का पार्ट भी फिक्स ही है, अगर सब कुछ फिक्स है, है? सब फिक्स है हाँ। तो ये धर्म और अधर्म क्या है, अच्छे कर्म बुरे कर्म विकर्म हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है? वो फिक्स है फिक्स है वो फिक्स है फिक्स तो है हाँ? अगर कोई अच्छा कर्म करना चाहे भी तो इसका ये कर्म दे है, लेकिन बांधा नहीं है तो जो, जो जो अच्छा कर्म करना चाहे तो वो बांधा हुआ है कि खराब कर्म ही करो? इसका अगर बांधा हुआ तो नहीं है नहीं। चाहो तो खराब कर्म मत करो, अच्छे ही कर्म करो। लेकिन अगर ड्रामा में नूद है तो फिर भी वो कितना भी चाहे अच्छे नहीं करेगा, कहेंगे ड्रामा में नूद है। तो ये ड्रामा ऐसा हुआ है, बना हुआ कि कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। बिच्छू है ये, क्यों बनाया? जो भी नजदीक जाएगा उसको डंक मारेगा, ये बनाने की क्या दरकार थी? भगवान की दृष्टि में वो बिच्छू भी जिंदा रहने योग्य है या उसे मर जाना चाहिए? है वो भी जिंदा रहने योग्य है। दिलवाड़ा मंदिर जो है उसका तो यादगार मालनव में बना हुआ है, वो हर में है भक्ति मार्ग का। तो ज्ञान मार्ग में भी तो दिलवाड़ा मंदिर है ना, सत्यनाथ दिलवाड़ा की बाजू आए है, तो वो कहाँ पर बना हुआ है? तुम बच्चों का यादगार है, तपस्या स्थली है। अभी जो बच्चे जहाँ मुरली चलाई गई वहाँ दिलवाड़ा मंदिर बना है कि अलग हटके बना है? मुरली जहाँ चलाई गई है वहाँ दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है या उससे कहीं अलग हटके बना हुआ है? है? अलग हटके बना हुआ है।
तो जहाँ मुरली चलाई गई वहाँ दिलवाड़ा तो नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई पढ़ने वालों को तो दिलवाड़ा चैतन्य नहीं कहेंगे, वहाँ तो चैतन्य मूर्तियाँ नहीं है, पहले भी नहीं थी जब मुरली चलाई गई और अभी भी वहाँ नहीं है। लेकिन मुरली में बोला है वहीं तुम्हारा यादगार खड़ा हुआ है और वहीं तुम बैठे तपस्या कर रहे हो। तो ड्रामा प्लान अनुसार जो भी रुद्रमाला के एडवांस पार्टी के बच्चे हैं, उन्होंने कौन सा एरिया है माउंट आबू का जहाँ की ढेर सारी जमीन खरीद के रख ली है, दिलवाड़ा में ही उन्होंने खरीदी, वहीं तपस्या बैठी करेंगे। वहीं तुम तपस्या कर रहे हो, वहीं तुम्हारी यादगार बनी हुई है। वहाँ सब लोग जा पाएगा क्या? रुद्रमाला के जितने मन के तपस्या स्थल जब जहाँ पर बना हुआ है, नंबर वार है कि सब एक जैसे? नंबर वार है। तो जो तपस्या करने वाले होंगे वो ही पहुँचेंगे, सारे ही पहुँचेंगे? तपस्या राज वर्ग वाली आत्माएं करेंगी या प्रजा वर्ग वाली ज्यादा करेंगी? करेंगे वो भी, लेकिन बाद में। जो राजा बनने वाले हैं वो 16108 हैं, बाकी सब है प्रजा, फॉलो करने वाली बाद में पहुंचेगी। बाबा आपने तो सजा नहीं खाएंगे ना, अष्टदेव जो है वो सजा नहीं खाएंगे, माने बाकी जितने हैं सब पानी के माने बर्फ में दब जाएंगे, अष्टदेव जो है पानी में नहीं डबेंगे, माने सजा नहीं खाएंगे। तो सारी दुनिया में तो पानी पानी ही हो जाएगा ना, तो दुनिया अभी तो बताया मुरली में सारी दुनिया में थोड़ी पानी हो जाता है। तो जम्मू द्वीप है भारत खंड वही बसेगा, तो परम धाम जहाँ पर बना होगा, बना हो मैंने परम धाम को तुम सिस्टी पर उतार लो, वो तो माउंट आबू हो गया। तो माउंट आबू कौन सा, ये हाथ का ये राजस्थान वाली माउंट आबू या हम जो सोचते है? ऐसे तो हमारे मन में ऐसा भी ख्याल आता है जैसे माउंट आबू दो है, माउंट आबू दो है, एक तो हाथ का हो गया राजस्थान वाले जहाँ पर भिकेश का सेंटर है, और एक तेहत का। यादगार किसका बना हुआ है? मुरली मती बोला है वही तुम्हारा यादगार बना हुआ है, वही तुम देखो तपस्या में बैठे हो। तो परम धाम वहीं पर? परम धाम वो कोई स्थान नहीं है स्थूल, वो तो आत्मा की स्टेज है, वो स्थूल चीज नहीं है, वो सूक्ष्म है। स्थान और व्यक्ति ये स्थूल होते हैं, स्थिति सूक्ष्म होती है। बाबा एक बीज से एक वृक्ष बनता है, एक बीज से छोटा सा बीज से एक वृक्ष बन जाता है बड़ा सा बीज, बीज से वृक्ष बनता है, उनमें से ढेर सारे फल निकलते हैं, उस सारे फल का स्वाद तो एक जैसे होता है जी। तो हमारा जो कल्प वृक्ष है हाँ, इसका भी तो बीज एक ही है, बीज एक ही है, वहाँ से जितना फल निकलता है, लेकिन वो बीज है तो फल का स्वाद अलग अलग होता है। जो बीज है वो एक ही धरणी में बोया जाता है या अनेक धरणी है? अनेक धरणी। तो फिर धरणी के अनुसार फिर बीज भी रूप बदल जाता है। बीज तो एक है, बाप को बीज कहा जाता है, प्रजापिता तो एक है, लेकिन ब्रह्मा रूपी धरणी वो तो चार ब्रह्मा है। तो धरणी अलग अलग हो जाती है, है? शिव पार्वती ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी सरस्वती सबको मालूम होगा, अग्नि देवता कौन है बाबा ज्ञान मार्ग में?
ज्ञान मार्गों में अग्नि देवता कौन है? ज्ञान मार्ग में क्या क्या अग्नि देवता कौन है? जो आग बबूला ज्यादा होता है, है? जो ज्यादा क्रोध करता है वो अग्नि देवता है। ज्यादा आग बबूला कौन होता है? सारी दुनिया में आग लगाने वाला कोई है कि नहीं? है? क्रिश्चियन धर्म को सारी दुनिया को आग लगाने वाला कहें या न कहें, है? तो उसका कोई बीज होगा कि नहीं होगा? है? तो वो ही हो गया। बाबा, अष्टरत्नों में जब तक अष्टदेव प्रवेश नहीं होते हैं, तब तक मैंने प्रवेश होकर के जब कोई मैंने वर्त वाली काम नहीं करते हैं, तब तक अष्टरत्नों का गायन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या नहीं समझ में आया? जो पावरफुल होगा वो उतने ज्यादा पावरफुल में प्रवेश करेगा नहीं? ऊंचते ऊंच शिव बाबा जरूर ऊंचते ऊंच में आवेगा कि नीच में आवेगा? तो ऐसे ही वो अष्टदेव हैं। जितने ऊंचा देवता उतना ऊंचा आधार पकड़ेंगे। और आधार मूर्ति तत्व बाबा जरूर ये इसमें नहीं होगा ना? रुद्रमाला में तो नहीं है ना आधार मूर्ति तत्व? रुद्रमाला माने बीज। हाँ, वो बीज है, आधार नहीं है, जड़े नहीं है। बीज से जड़े निकलती हैं, फिर माने बीज बाप है, जड़ा रचना है। बीज रचयिता है, जड़ा रचना है। जैसे स्त्री रचना है, बीज पिता है। तो देव और जो धर्म पिता है वो तो अलग अलग है ना? नहीं, धर्म पिता है ऊपर से आते हैं, द्वापर युग से, और अष्टदेव तो 84 जन्म लेने वाले होते हैं। जो द्वापर युग से आएंगे वो 84 जन्म तो नहीं लेंगे। देवताएं उनको कहा जाता है जो पूरे चक्र में आने वाले हों, पूरे 84 के चक्र में। जिनके कम जन्म होते हैं वो या तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं या अपने धर्म के पक्के होते हैं, अधूरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा अनुभव लिया ही नहीं दुनिया का। तो अष्ट रत्न तो कौन हुआ है? अष्ट रत्न कौन हुआ? वही तो, जो रत्न है वो कम वैल्यू वाले होते हैं एक दूसरे से कि सब हीरे होते हैं? कोई पन्ना है, कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई मूंगा है, तो उनकी एक दूसरे से कीमत कम होती है या एक जैसी कीमत होती है? तो ऐसे ही इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये एक दूसरे से कम पावर वाले हैं। जो जितना जो जब ज्यादा पुराना है उतना ही ओल्ड इज गोल्ड है, उतना ज्यादा सच्चा है, उतना ज्यादा पावरफुल है। अष्टदेव का काम क्या होता है बाद में? बाद में द्वापर के बाद वो
अष्टदेव जो है वो महादेव के सहयोगी बन के रहते हैं, वो सूर्यवंशी हैं सारे के और वंश के हैं। तो सूर्यवंशी जो पक्के हैं वो सूर्य का साथ देंगे या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस का साथ देंगे? है सूर्य साथ देते हैं, भले माया आखिरी जन्म में उनको भी नहीं छोड़ती है। लेकिन 83-84 जन्म साथ तो देते हैं, यहाँ भी तो उन्होंने ज्यादा सेवा की होगी ना। ज्यादा याद किया होगा ना, ज्यादा पावर भरी होगी ना, ज्यादा नजदीकी रहे होंगे ना, तो वहां भी नजदीकी रहेंगे। नजदीक रहना मन बुद्धि से रहना ना। रहो माँ ने बच्चे को खिलाया है, पिलाया है, पालना की है, बच्चा परदेश चला गया, खिलाया ना होता, पिलाया ना होता, पालना ना की होती, जन्म न दिया होता, और वो जन्म लेते ही हॉस्पिटल से विदेश पहुंच गया और माँ को पता ही नहीं, तो बच्चा याद आएगा? नहीं समझे क्या? है? हाँ, याद भी तब आती है जब प्रैक्टिकल में संग किया हुआ हो, आंखों से देखा है तो याद आएगा। गुलाब का फूल है, सूंघा है तो याद आएगा। अक का धतूरे का फूल है, खुशबू अच्छी नहीं लगती है लेकिन सूंघा है तो याद आएगा, भले नफरत से याद आए। जितना संसर्ग संपर्क संबंध में आवेंगे तो उतना याद भी है, याद भी जरूर आवेगा। ऐसे नहीं होता है कि संसर्ग संपर्क संबंध में बिल्कुल ना आवे और याद सबसे ज्यादा आवे। अच्छा, मान लो पार्वती है, जगदम्बा है, ज्यादा संसर्ग संपर्क में कौन आता है? अरे दो आत्माएं बताई, परमात्मा के ज्यादा संसर्ग संपर्क में दोनों में से कौन आता है ज्यादा? परमात्मा के, परम पिता परमात्मा के प्रैक्टिकल संसर्ग संपर्क संबंध में ज्यादा पार्वती आती है या जगदम्बा आती है? कौन ज्यादा आता है? पार्वती आती आई है, है अभी, है अभी संसर्ग संपर्क संबंध में नहीं है, है? जगदम्बा आई, आई ना, फिर जगदम्बा ज्यादा याद करती है या पार्वती ज्यादा याद करती है? जन्म जन्मांतर साथ किसका रहता है बता, ये क्या राज है? अरे हैं, याद ज्यादा नहीं,
हैं? याद ज्यादा नहीं, याद ज्यादा नहीं, जो साथ ज्यादा रही, संसर्ग ज्यादा रहा, इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा संग किसने लिया? जगदम्बा ने लिया, तो याद ज्यादा किसको आना चाहिए? जगदम्बा को आना चाहिए, तो ज्यादा 84 जन्म में साथ किसका रहना चाहिए? जगदम्बा का रहना चाहिए, फिर क्यों नहीं रहती? पार्वती ज्यादा साथ क्यों रहती है? पार्वती ने याद ज्यादा किया, फिर कारण क्या? ये तो झूठी हो गई कि संसर्ग संपर्क संबंध में आने से ज्यादा याद आती है? निभाना पड़ी बात, यार निभाना पड़ी बात। बाबा संगम जी कृष्ण को कौन प्रत्यक्ष करेगा, माने जन्म कौन देगा? संगम जी जो कृष्ण का प्रत्यक्षता होगा ना एक जून में 2018 में, तो निमित्त तो कोई बनेगा ना प्रत्यक्ष करने के लिए, जैसे बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए कोई, तो जन्म देने के लिए कोई तो निमित्त बनेगा ना, वो जन्म ही बनेगा क्या? प्रश्न में बाप आते हैं कि नहीं? सिर्फ बाप तो आते हैं, आते हैं, तो बाप को कौन प्रत्यक्ष करता है, स्वदेशी या विदेशी? विदेशी, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो फर्स्ट क्लास विदेशी कौन है? कौन? अरे सीढ़ी के चित्र में विदेशी दिखाए कि नहीं दिखाए? दो तो दिखाए, इस्लामी क्रिश्चियन भीख देते हुए दिखाए कि नहीं दिखाए? वो विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं ना, तो ऐसे यहाँ भी है, ऐसे ही वो विदेशी यादव संप्रदाय है, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं आखिरी जन्म में। क्या करती हैं? यश देती हैं कि अपयश देती हैं? यश देती हैं तो नाम यशोदा पड़ता है, आप यश देने वाला प्रत्यक्ष करेगा या यश देने वाला प्रत्यक्ष करेगा? यश और कीर्ति देने वाला प्रत्यक्ष करेगा या अपकीर्ति और अपयश देने वाला प्रत्यक्ष करेगा? है यश देने वाला, क्या यश देने वाला? यश देने वाला प्रत्यक्ष करेगा, तो जस देने वाली तो वही हो गया ना, माने लक्ष्मी जो पाठ बजाने वाली आत्मा है, लक्ष्मी वाली पाठ बजाने वाली आत्मा, वो यश देने वाली हो गई, तो विदेश से आती है या स्वदेश से आती है? नहीं, आती कहाँ से है? विदेश से आती, तो लेकिन वो तो राधा का पाठ बजाने वाली। हाँ, राधा का है पाठ, तो चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? चंद्रवंश से आई। तो आप विधर्मी हो गई ना? तो ब्रह्मा बाबा भी बाद में माने द्वापर में विदेशी बनेगा क्या? ब्रह्मा बाबा माने कृष्ण की सोल, ब्रह्मा विदेशी बनेगा, माने विपरीत धर्म को विदेशी धर्म रिप्रेजेंट करेगा क्या ब्रह्मा बाबा? विदेशियों को पोषण नहीं देता है? देता है। सारे विदेशी ब्रह्मा बाबा की गोद में पलते हैं या किसी और की गोद में पलते हैं? धार्मिक सीरियल इतने आते हैं, इनमें असुरों को ज्यादा वरदान दिए हैं ब्रह्मा ने या विष्णु और शंकर ने ज्यादा वरदान दिए हैं? तो किसकी गोद में पलते हैं? ब्रह्मा कहो जगदम्बा कहो, उसकी गोद में वो पलते भी है। दिल्ली में हर धर्म ने राज्य किया ज्यादा या देवी देवता सनातन धर्म ने ज्यादा राज्य किया? हर धर्म ने राज्य किया। बाबा जो मुरली चल रहे ना, ये अविभक्त वाणी 3:11:10 की एक अविभक्त वाणी में बोला है,
आज बाप दादा सभी बच्चों से एक देशी जो ओरिजिनल सबका देश है, जानते हो ना एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से स्वर्ग बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ये कौन सी देश है? एक देश कौन सा है जो सबका देश है? 500-700 करोड़ का देवताओं का भी देश है, असुरों का भी देश है, मनुष्यों का भी देश है, मनुष्य आत्माओं का भी देश है, देवात्माओं का भी देश है, दैत्यात्माओं का भी देश है, पापात्माओं का भी देश है, पुण्यात्माओं का भी देश है, महान आत्माओं का भी देश है, नीच आत्माओं का भी देश है। कौन सा देश है जो सबका एक ही देश है? है? अरे परम नाम तो दूर देश से आए हैं। अभी तो ब्रह्मा बाबा परम धाम में नहीं आए। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है या शिव बाबा की बात हो रही है? तो भाई तो ब्रह्मा बाबा ने किया है। किसके बारे में बोल रहे हैं? फिर तो शिव बाप ही तो नहीं है परम धाम में अभी। हैं? शिव बाबा भी तो परम धाम नहीं है अभी। अभी की बात थोड़े ही कह रहे, आए कहाँ से? तो आने की बात हो रही है। बाबा मुरली तो ब्रह्मा बाबा के मुख से ही चली थी ना, कृष्ण वाली आत्मा से। तो अभी जो मुरली है, जैसे 69 के बाद जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो तब की वाणी को तो अव्यक्त वाणी कहते हैं। लेकिन वो जो रिवाइज मुरली है, जैसे 2001 का 9 का, ठीक है वो सब क्यों आते हैं ऐसे? तो जब मुरली हम लोगों को तो पता है मुरली कौन बजाते हैं, हमारे लिए तो बात क्लियर है। लेकिन विकेश ने जो कहते हैं अभी भी मुरली चल रहा है, तो उसको क्यों मुरली कहते हैं? वो कहाँ मुरली कहते हैं? जैसे कोई रिवाइज मुरली में आते है ना, 2010 के पानी में वो लिखा है, 2009 के पानी अव्यक्तवाणी को साकार मुरली बोलते हैं। जो रिवाइज मुरली आ रही है उसको मुरली कहते हैं। एक 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 पैकेट भेज देता है माउंट हाउस से, हर सेंटर में भेज देता है वही तारीख अनुसार, उसको मुरली कह के लिख देते हैं रिवाइज कोर्स को। लेकिन मुरली तो मुंह से चलाई जाएगी या कोई दूसरी इंद्रिय से चलाई जाएगी? मुरली वो है जो मुरलीधर जैसे चाहे वैसे मोड़ दे, उसको कहते हैं मुरली। उसका अनुकूल अर्थ निकालता है। नई बात बताता है हमेशा। जो रिवाइज वाणी आ रही है वो तो रिपीटेशन है, उसे मुरली कहाँ कहेंगे? रिपीटेशन भी है, काट भी है, कट कट करके रिवाइज करते हैं। सात देश का मुरली बताते हैं। मुरली कहाँ है? वो तो हमें पता है, है? वो उनके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा, वो तो सब झूठ कहेंगे या सच कहेंगे। वो जो वहाँ बैठे हुए हैं वो द्वापर युग से आने वाले दूसरे धर्मों को स्थापन करने वाली आत्माएं हैं, कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, या सचखंड स्थापन करने वाली आत्माएं हैं? है? फिर तो वो तो झूठ ही स्थापन करेंगी। उनकी बातों को तो छोड़ दो। मुरली में बाबा ने मुरली किसको कहा है? मुरली किसके द्वारा? मुरलीधर के द्वारा। मुरली थोड़े समय के लिए जो संदेशियों के द्वारा डायरेक्शन दिए जाते हैं उसे मुरली नहीं कहेंगे, वो शुभ राय है। अव्यक्तवाणी है, वो अव्यक्तवाणी को भी मुरली कह देते हैं। उनके कहने की क्या? मुरली कह देते हैं। हाँ, अव्यक्त मुरली।
उन्होंने बोला जो रिसेंट वो जो 69 की पहले जो मुरली था ना बाबा, हाँ आज सब तो रिवाइज करके रिवाइज कर रहे और रिसेंट डेट लगा देते हैं, रिसेंट लेकिन 69 की पहले जो डेट है ओरिजिनल डेट, हाँ वो डेट नहीं देते हैं, हाँ नहीं देते, नहीं देते हैं। और अभी क्या करता है वही मुरली को नया डेट लिख कर दे देते हैं, और जो डिटेलोक है समझता अभी भी मुरली चलता है। कहाँ चल रही है मुरली, मुरलीधर कहाँ है जो मुरली चलेगी? मुरली मुरलीधर के द्वारा है या मनुष्यों ने जो लिख करके भेज दी वो मुरली है? सब काट के काट के बाबा देते हैं ना, सब काट के देते हैं। अभी जो भी हम लोग जाके समझाते हैं वो लोग समझते हैं जो हम लोग मने काट करके लेके आए, वो लोग जो काट करके दिया वो उन लोगों का ब्लड में चला गया, ये यही सत्य है। और हम लोग जो भी बोलते हैं ये मिथ्या है वो लोग काट किया, बोला ना तुम लोग काट किया, वो लोग काट नहीं कर सकते। हाँ तो वो तो सुप्रीम कोर्ट बतावेगा क्या सच्चा है क्या झूठा है। सुप्रीम कोर्ट ही बता, सुप्रीम कोर्ट यार तो सेंस भी बोलता है, ओरिजिनल तो मुरली ऑब्जेक्ट मणि सब है। हो तो ये भी कह देते ये तो तुम्हारी छपाई हुई है, बाबा ने तो ऐसे कभी नहीं बोला, क्या जवाब देंगे? तो जो भी हमने एक मुरली देखा जो वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती मामा बाबा नहीं है, वो देखा देखा तो जो भी देखा देखे बोलते नो डिस्कशन बोले वो सहन नहीं कर सकता है, ये नो डिस्कशन। चलो उनकी बात छोड़ दो, मुरली नहीं आए उनकी बात छोड़ो। वैसे अनुच्छेद योजना के तहत तो आते हैं, अनुच्छेद योजना में भी तो लिखा हुआ है जैसे कोई प्रूफ देने के लिए लिखते है ना, तो प्रूफ के साथ में जो भी लिखते हैं हमारे एडवांस की किताब में भी तो ऐसा लिखा हुआ है। तो एडवांस की किताब में जो डेट लिखा हुआ है अभी जो डेट मिला उसी डेट दे देते हैं, रिवाइज डेट रिवाइज हम लोगों का भी किताब में कोई कोई किताब में मुरलिका जो भी डेट देते हैं ना, क्योंकि 69 की पहले तो डेट मिला नहीं, तो नेचुरली जो डेट प्रिंट करते हैं रिवाइज करने के बाद वही डेट हम लोगों का भी किताब में मेंशन किया। लेकिन उस डेट में तो कोई मुरली नहीं चला है, वो पहला मुरली इस डेट में प्रिंट किया। अरे हमें तो प्रूफ उनका ही देना है ना, प्रूफ देने के लिए तो हमें भी लिखा कि देखो यही तो छापते हैं आपके मुरली, यही तो छाप रहे हैं, इनके ही तो प्रिंटिंग प्रेस में छप रही है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ऐसे बोला, मतलब उनके मुरली के हिसाब से। हाँ सूर्यवंशी माँ जो है ना बाबा, है सूर्यवंशी माँ जो है सेकंड मन का, मैंने रुद्रमाला के सेकंड मन का है ना सूर्यवंशी माँ जो है, तो उनको मिलना मिलना नहीं होगा क्या? बच्चों से मिलना नहीं होते क्या? क्यों नहीं होगा? तो लास्ट में आने वाले जो बच्चे होंगे वो फास्ट जाके मिल नहीं सकते, लास्ट में आने वाले बहुत हैं कि थोड़े हैं? है लास्ट में आने वाले थोड़े होंगे या बहुत होंगे? थोड़े होंगे, बहुत हैं, अभी तो मुट्ठी भर हैं। उनमें से भी पता नहीं बहुत से छड़ जाएं, ऐसा फाउंडेशन डाला जा रहा है, फाउंडेशन में तो दुर्मुट का धचाका लगता है तो पता नहीं कौन सा पत्थर कहाँ जाकर के चला जाता है, पता ही नहीं लगता, बिखर जाता है। बस संगम युग में तो पूरा शूटिंग होता है, संगम युग में तो सब शूटिंग हो जाएगा ना 5000 साल के लिए, तो शूटिंग पीरियड में तो शूटिंग होगी। तो राजमाता जो है, राजमाता के जो खिताब है मतलब जगह है वो तो राज परिवार में होंगे, जैसे
छत्तीसगढ़ की बात नहीं बताए हैं हम, तो संगम युग में उसका शूटिंग तो होना है। हाँ? तो राजमाता जो है उसको जगदम्बा कहे। हाँ? तो जगदम्बा का काम क्या होगा, राजमाता के राजमाता जैसे वो परिवार संभालेगी, मैंने राजकाज नहीं संभाल। हाँ। बेसिक में जगदम्बा का टाइटल किसको मिला, ब्रह्मा को, उम्र जो मुख्य निमित्त था उसकी सबसे बड़ी असिस्टेंट को मिला ना। हाँ। तो एडवांस में किसको मिलेगा, एडवांस में जो एडवांस का मुखिया है उसकी सबसे बड़ी असिस्टेंट कौन हुई जिसको सब कन्याओं माताओं ने फॉलो किया, जगदम्बा। वहां मम्मा ने पालना की तो यहां कौन पालना करेगा, जगदम्बा। तो राजमाता हुई ना, सत्य में उनकी जब जन्म होगी तब वो कौन सा खिताब पाएगा, नीचे मैंने राजमाता संगम, राजमाता संगम युग में विश्व का बादशाह, फिर सत्युग में भी जाके विश्व का बादशाह बनेगा, नीचे गिरेगा कि नहीं, जन्म जन्म नीचे गिरता चला जाएगा सत्युग जब तक रहेगा, त्रेता में फिर ऊंचा उड़ जाएगा। तो सत्य के लास्ट में जब रामकृष्ण मैंने राम सीता को जन्म देने वाली आत्मा होंगे तो लास्ट नारायण ही होंगे, लास्ट नारायण की गर्भ में नहीं, नहीं ना, लास्ट नारायण तो कर्ज उठाने वाले, जो जन्म बनेंगे ना बाबा, जिस साहूकार के घर में जन्म लेंगे वो मम्मा बाबा होंगे, वो मम्मा बाबा की गर्भ में जन्म लेगा, जन्म लेंगे। तो पहले तो राम सीता है तो मम्मा बाबा को जन्म देगा है, मैं सत्युग के आदि में राधा कृष्ण ने राम सीता से जन्म लिया। हाँ। और संगम युग में राम सीता ने किससे जन्म लिया, नारायण नहीं, और राम सीता ने बाप से जन्म, फिर दशरथ से जन्म लिया ना। जगदम्बा क्या करेगी तब माता जी को, से विश्व का मालिक क्या करेगा, जो संगम युग में विश्व का मालिक बनता है वो सत्युग में क्या करेगा, वो नीचे गिरेगा कि नहीं, उत्तर उत्तर नीचे गिरते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे, त्रेता युग में फिर ऊपर उड़ जाएंगे, फिर वो ही क्रम। प्रवृत्ति मार्ग नहीं होगा किसका, जगदम्बा का, जगदम्बा क्यों नहीं होगा, जगदम्बा रुद्रमाला का मणका नहीं है आखिरी, तो विजय माला का आखिरी मार्ग का मणका के साथ प्रवृत्ति नहीं होगी, ये क्या बात कर दी। दो माता था। हाँ, दो माता था, तो लक्ष्मी माता बन जाता है, छोटी माता तो लक्ष्मी माता बन जाता है, वो विजय माला का पहला मणका बन जाता है। हाँ, जगदम्बा रुद्रमाला का आखिरी मणका बनता है, तो आखिरी मणके का आखिरी मणके के साथ प्रवृत्ति नहीं बनेगी। अरे विजय माला के पहले मणके की प्रवृत्ति रुद्रमाला के पहले मणके के साथ बनती है कि नहीं, ऐसे ही रुद्रमाला का जो दूसरे नंबर का मणका होगा उसकी प्रवृत्ति विजय माला के दूसरे मणके के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसे ही होंगे नंबर वार। इसलिए विजयमाला में ऊपर के दो मणके प्रवृत्ति के दिखाए जाते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो सारे ही प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। विजयमाला में रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड कर दिए गए हैं। तो युगल दाना बन गया, शास्त्रों में जो देखा है भगवान अवतार लेते हैं, बड़ा अवतार, नरसिंह अवतार, बामन अवतार, ये सब लेते हैं बाबा, ये सब पाठ बजाया, ये सब पाठ बाबा बजाया, कच्छ अवतार, अच्छा अवतार बजाया, जो शास्त्रों में है थोड़ा तो सत्य है ना, थोड़ा तो सत्य इतना ही है कि जो कच्छ अवतार जैसे बताया, कछुए का अवतार, तो
तो कछुए का अवतार कोई दूसरा नहीं है। जैसे कछुआ अपने हाथ पांव समेट के बैठ जाता है, ऐसे ही कोई आत्मा है नारायण वाली आत्माओं में से, जो कछुए की तरह इंद्रियां समेटने में होशियार है। बामन अवतार वो छोटा रूप धर के आता है, बड़े आदमी पहचान ही नहीं पाते। नरसिंह अवतार नर के रूप में सिंह स्वरूप बन के आता है, है नर है मनुष्य, बाद में पता चलता है अरे ये तो बब्बर शेर है, ये तो मार के खा जाने वाला है। बड़ा होता है, है? बड़ा होता है। बड़ा क्या? सुअर का अवतार, सुअर का अवतार। सुअर क्या करता है? कीचड़ में लोटता है। इस्लाम धर्म का जो बीज है वो ही तो शुक्र अवतार है, शुक्राचार्य। वराह, वराह माने सुअर। सबसे ज्यादा विकारों की कीचड़ में कौन सी आत्मा लौटने वाली है? इस्लाम। तो इस्लामियों का बीज तो सबका बाप हो गया। बाबा रुद्र का मन मीनिंग तो है तो बहुत जो गुस्सा है ऐसा है, ऐसा होता है ना रुद्र का? हाँ, लेकिन हमारा जो ज्ञान है इसको रुद्र ज्ञान क्यों कहते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि शिव ज्ञान यज्ञ नहीं होता। शिव जो है वो जानकारी देता ही नहीं अकेला, वो जानकारी शिव माना जो ज्ञान माने जानकारी, वो ज्ञान देता ही तब है जब वो प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो विकराल रूप धारण करता है। आत्मा विकराल है या पांच तत्व विकराल है? दुनिया में ज्यादा विकराल रूप कौन धारण करता है? पांच तत्व ज्यादा विकराल रूप धारण करते हैं। पांच तत्व माने प्रकृति, प्रकृति इतना विकराल रूप धारण करेगी कि सारी पृथ्वी डावाडोल हो जाएगी, भूकंप ही भूकंप चारों तरफ दुनिया में फट पड़ेंगे। कितना पृथ्वी डोलेगी? अभी तो 5-6 पॉइंट आता है भूकंप, अब बड़े बड़े भूकंप तो अभी आए ही नहीं है। बड़े बड़े भूकंप जब आएगा तब माउंट आबू में कैसे जाएगा? माउंट आबू कैसे जाएगा? माउंट आबू में तो इतना बड़ा गहरा पत्थर है जो हिलेगा ही नहीं। पावरफुल आत्मा उसे कैसे जाएगा? ट्रेन वो पहले ही पहुंच, वो सब तो पायलट ही नहीं रहेगा, वो पहले ही पहुंच गई होगी। फ्लाइट लैंड करने का भी जगह भी नहीं रहेगा, वो पहले ही पहुंच गई होंगी। वो जो शिव के प्रवृत्ति होते हैं ना बाबा, है? जिसके साथ प्रवृत्ति होते हैं शिव की। हाँ, शिव की प्रवृत्ति तो शंकर के साथ है। वही तो शंकर मैंने विकराल रूप था, इसीलिए उसको रुद्र कहा, रुद्र कहा गया। शिव कल्याणकारी है कि रौद्र रूप धारण करने वाला है? शिव तो प्यार का सागर है, वो थोड़े ही संघारकारी है। बाबा मनुष्य का जो क्लासिफिकेशन हुआ है बाद में, जो विदेशी लोग बोला है जो कोकेशियो ऑस्ट्रेलियो, मनुष्य का जो अलग अलग है ना, जो निग्रो तो अलग होता है, जो आपका ये जो इंग्लैंड वगैरह होता है ना उसको तो कोकेशियो बोलते हैं ना, कोकेशियो माने जो कोष्ठी है, गोष्ठी जो है जनगोष्ठी है, क्लासिफिकेशन कोई मंगोलिया कोई आ, आ, किस देश का कोई किस देश का कोई किस देश का। हाँ, वो 2000 साल में इतना डिफरेंस हो गया है मनुष्य का।
2000 साल में मैंने दापर युग से ऐसा होता है। हाँ, दापर के बाद तो इतना तो हुआ ही नहीं था ना। दापर के पहले द्वापर से पहले सब देवताएं थे। वो तो है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, दापर आ गया। हाँ, दापर के तो 500 साल। द्वापर आ कब गया? जब द्वैतवादी उसमें प्रवेश हुआ। देवी देवता सनातन धर्म वालों में जब दूसरे धर्म की आत्मा ने आके प्रवेश किया तब द्वैत हुआ। उससे पहले तो अद्वैत था। आ माने नहीं, द्वैत माने दूसरा था ही नहीं। न दूसरा धर्म था, न दूसरा राज्य था, न दूसरा कुल था, न दूसरी भाषा थी, न दूसरा मत था। एक ही मत, एक ही कुल, एक ही धर्म, एक ही राज्य, सब एक ही एक था। एक हो ब्रह्म द्वितीय हो नास्ते। सबके अंदर एक ही आत्मा जैसे स्मृति में थी। द्वैत तो आता ही तब है जब ऊपर से दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं। है एक वार्तालाप में सुना बाबा का वह संघार नहीं पाता था। कैसे बोले बाबा का संघार नहीं पाठ? बाबा का संघारी नहीं पाठ होता है? संघारी नहीं पाठ बाबा तो नहीं बजाते है ना। संघारी नहीं पाठ असुर संघारी नहीं तो शक्तियों को गाया जाता है। तो माता जी पूछ रहे हैं बाबा का संघारी नहीं पाठ कैसे हो? वार्तालाप सुन रहे हैं बाबा का संघारी पाठ कैसे है? शिव की पहली पहली शक्ति कौन है? शिव की संगिनी कौन है? शिव के साथ किसका नाम लिया जाता है? तो पहली शक्ति नहीं है वो? कैसा रूप धरेगा? तो फिर कैसा रूप धरेगा? वो ये वो 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 अब्बल लंबर असुर संघारी ने कैसे रूप माने लेंगे वो ये है महाकाल। महाकाल महाकाल बोला लेकिन शब्द आया संघारिणी, इसलिए इन्होंने कंफ्यूज थोड़ा है। संघारिणी तो लेडीज होता है। तो महाकाल क्या करता है? काल क्या करता है? जो साधारण काल आता है वो क्या करता है? सब कुछ खलास कर देता है। फिर महाकाल क्या करता होगा? वो बार बार काल आने की, बार बार संघार करने की बात ही खत्म। एक ही बार में सारा सारा स्वाहा हो गया महाकाल।